हेलो डियर स्टूडेंट्स, अज का जिहड़ा टॉपिक मैं चूज़ किया है अपनी वीडियो के लिए, दैट इज़ द क्वेश्चन रिलेटेड विद ट्रेन्स। सो जिस तरह की कंपीटिशन एग्जाम दे विच बहुत सारे क्वेश्चन जिहड़े हैगे आ वो ट्रेन नाल रिलेटेड जिहड़े आ आउंदे हैगे आ। फॉर एग्जाम्पल कि दो ट्रेन जिहड़ियां आ वो एक डायरेक्शन च मूव कर रही आ तो एक दूसरी नू किन्ने टाइम च क्रॉस करेगी, एंड इफ द ट्रेन्स आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस दैन वट विल बी द सिचुएशन। जहाँ जड़ा एक आदमी आ वो किसी प्लेटफॉर्म के उत्ते खड़ा आया तो उन्होंने जी ट्रेन किस तरह जी या किन्ने टाइम च क्रॉस करेगी। सो इदा के जोड़े सारे क्वेश्चन है सो एक सिंपल कंसैप्ट जोड़ा आ समझन की लड़ है। सो इफ यू अंडरस्टैंड दैट कंसैप्ट दैन यू कैन ईजली सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चनस ईजली। सो आओ शुरू करते हैं। सो सब तो पहले जिहड़े क्वेश्चन जिहड़े हैगे आ वो टाइप वन क्वेश्चन, किस तरह के जिहड़े क्वेश्चन जिहड़े आंदे आ वो मैं जिहड़ा स्टार्ट कीता हैगा ईजी तो, फिर मैं थोड़ा डिफिकल्ट लैवल वल नूं मूव करांगा। सो इस केस दे विच वो की कह रहा है कि जदों टू ट्रेन क्रॉसिंग ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट विद निगलिजिबल विड्थ, कि फॉर एग्जाम्पल जदों एक ट्रेन जिहड़ी आ किसी दूसरे ऑब्जेक्ट नूं जिहड़ी क्रॉस कर रही आ, एंड वो जिहड़ा ऑब्जेक्ट हैगा आ जिहदी जिहड़ी लंबाई आ जां चढ़ाई आ दैट इज़ वेरी वेरी समॉल एज कंपेयर टू ट्रेन। सो फॉर एग्जाम्पल वो निगलिजिबल ऑब्जेक्ट विड्थ वाला ऑब्जेक्ट किहड़ा हो सकता है कि जदों कोई जिहड़ा आदमी आ वो किसी प्लेटफॉर्म के उत्ते खड़ा आ जां एक कोई पोल आ खंभा आ ट्रेन उस खंभे नूं किन्ने टाइम दे विच क्रॉस करेगी, लैंप पोस्ट हो सकती आ, ठीक है ना। सो इस तरह के जिहड़े क्वेश्चनस हैगे आ उहदे लई आपां की करना आ कि वो जिहड़ा ऑब्जेक्ट है आदमी खंभा जां जिहड़ी लैंप पोस्ट आ उहदी जिहड़ी लंबाई आ उहनूं आपां कंसीडर नहीं करना हैगा। सो उस केस दे विच टोटल टाइम जिहड़ा आ वो ट्रेन नूं उस ऑब्जेक्ट नूं क्रॉस करन दे लई किन्ना लगेगा, दैट इज़ इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन डिवाइडड बाय स्पीड ऑफ दैट ट्रेन, ठीक है ना। सो इदा का एक क्वेश्चन करते हैं, ए ट्रेन ऑफ लेंथ 450 मीटर इज़ ट्रैवलिंग एट स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर, सो हाउ लोंग विल इट टेक टू क्रॉस ए पोल। कि एक जी ट्रेन है जिहदी जिहड़ी लंबाई आ 450 मीटर आ वो 54 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड नाल मूव कर रही है, तो एक खंभा जिहड़ा आ लैंप पोस्ट जिहड़ी आ वो इत्थे जमीन दे उत्ते है वो जिहड़ी ट्रेन आ उस खंभे नूं किन्ने चिर दे विच क्रॉस करेगी। हुण जिस तरह कि जिहड़ा ये खंभा आ इहदी लेंथ जिहड़ी आ ट्रेन की कंपैरेटिव लेंथ दे बहुत ज़्यादा छोटी आ, सो इहनूं आपां नहीं कंसिडर करांगे। दूसरी गल, जदों तुहानूं जिहड़े यूनिट आ वो किलोमीटर पर आवर्स दे विच दित्ते होण, सो तुसीं देख लैणा है कि जे ते ट्रेन दे जिहड़े यूनिट आ वो सानूं मीटर दे विच दित्ते आ फिर सानूं जिहड़ी इह स्पीड आ उहनूं मीटर पर सैकेंड दे विच पहले कन्वर्ट करना पएगा। हुण इहदे लई सिंपल फार्मूला तुसीं रिमैंबर कर सकते हैं कि जदों सानूं ट्रेन दी जिहड़ी स्पीड आ वो किलोमीटर प्रति आवर दे विच जिहड़ी दित्ती होए तो उन्होंने आपां मीटर पर सैकेंड दे लई जे कन्वर्ट करना आ तो फिर आपां सिंपल उन्होंने 5/18 दे नाल मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 5/18 दे नाल मल्टीप्लाई करके जिहड़ी टर्म आएगी दैट टर्म इज़ इन टर्म्स ऑफ मीटर पर सैकेंड दे विच होएगी। हुण वो की कह रहा है कि स्पीड ऑफ ट्रेन आपां जिहड़ी आ 54 किलोमीटर पर आवर नूं आपां कन्वर्ट करके साडे कोल मीटर पर सैकेंड दे विच किन्नी आ रही है, दैट इज़ 15 मीटर पर सैकेंड। ट्रेन की लंबाई सानू कितनी दिती हुई है 450 मीटर, सो कितना टाइम लगेगा ट्रेन नू उस खंभे नू क्रॉस करन दे लई, दैट इज़ इक्वल टू डिस्टेंस और लेंथ ऑफ ट्रेन डिवाइडेड बाय स्पीड विच इज़ इक्वल टू 450/15, एंड साडा जिहड़ा आंसर आ रहा है दैट इज़ 30 सैकेंड। सो ट्रेन नू वो जिहड़ा खंभा आ उहनू क्रॉस करन दे लई 30 सैकेंड का टाइम लगेगा। सो दूसरी तरह के क्वेश्चन कि पहले असी गल की सी कि निगलिजिबल लेंथ वाले कोई ऑब्जेक्ट जिहड़ा आ उस स्टिल खड़ा हैगा आ, हुण दूसरे कि कोई जिहड़ी ट्रेन आ वो किसी कंसिडरेबल लेंथ वाले ऑब्जेक्ट नूं क्रॉस कर रही आ। कंसिडरेबल लेंथ का मतलब की आ कि जिहड़ी उहदी लंबाई आ जां उहदी चढ़ाई आ वो ट्रेन की लंबाई जां चढ़ाई दे कंपेरेबल हैगी आ कि उहदे लागे चागे आ। सो ये कंसिडरेबल लेंथ वाला ऑब्जेक्ट की हो सकता आ, सो इट कैन बी ए प्लेटफॉर्म, इट कैन बी ए ब्रिज। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आ जाता है कि एक ट्रेन जिहदी लंबाई 200 मीटर है, एक प्लेटफॉर्म जिहदी लंबाई 200 मीटर है जां उस तों घट है जां वध है, सो वो ट्रेन उस प्लेटफॉर्म नूं क्रॉस करन दे लई किन्ना जिहड़ा समां लगाएगी। सो उस केस दे विच की है कि असी जिहड़ी टोटल लेंथ आ
वो कंसिडर करनी हैगी आ। सो टोटल लेंथ जिहड़ी आ वो किहदे बराबर आएगी, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म जां होर भी कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, एंड डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ ट्रेन। हुण क्योंकि इत्थे अपने कोल कल्ली ट्रेन की स्पीड ही है, दूसरी जिहड़ी कंसिडरेबल ऑब्जेक्ट हैगा आ वो ते स्टिल हैगा आ जिहदी स्पीड की है जीरो हैगी आ। सो इत्थे असीं जिहड़ी कल्ली ट्रेन की स्पीड ही कंसिडर करनी हैगी आ। सो इदां दा क्वेश्चन नूं आपां किस तरह सोल्व कर सकते हैं। सो ए ट्रेन ऑफ लेंथ 200 मीटर क्रॉसिज ए प्लेटफॉर्म ऑफ लेंथ 150 मीटर एट ए स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर एंड हाउ लोंग विल द ट्रेन टेक टू क्रॉस द प्लेटफॉर्म। हुण ट्रेन जिहड़ी आ वो इत्थे प्लेटफॉर्म दे स्टार्टिंग दे उत्ते आ, ट्रेन कदों प्लेटफॉर्म नूं क्रॉस करेगी, जदों सारी दी सारी जिहड़ी ट्रेन आ वो इत्थे पहुँच जाएगी। सो उहदे लई ट्रेन अपने कोल टोटल लेंथ किहदे बराबर आ जाएगी, ट्रेन दी लंबाई किन्नी आ दैट इज़ इक्वल टू 200 मीटर प्लस प्लेटफॉर्म दी जिहड़ी लंबाई आ वह कितनी हैगी है। सो टोटल लंबाई जिहड़ी आ असीं इत्थे कंसिडर करांगे 350 मीटर। फार्मूला साढ़े कोल उही रहेगा। सो टाइम टेकन किन्ना टाइम लगेगा ट्रेन नूं क्रॉस करन दे लई, दैट इज़ इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। स्पीड जिहड़ी आ हुण सानूं इत्थे 72 किलोमीटर पर आवर दित्ती हुई है, जिस तरह मैं तुहानूं कहा कि जदों तुसीं इहनूं मीटर पर सैकेंड दे विच कन्वर्ट करना तुसीं इहनूं 5/18 दे नाल मल्टीप्लाई कर लेना, 18 × 4 = 72। सो 5 × 4 दैट इज़ इक्वल टू साढ़े कोल किन्ना आ जाएगा, 20 मीटर पर सैकेंड जिहड़ी आ साढ़े कोल स्पीड आ जाएगी। सो टोटल लेंथ डिवाइडेड बाय स्पीड उहनूं आपां जदों कैलकुलेट करांगे तो साढ़े कोल किन्ना टाइम आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 17.5 सैकेंड जिहड़ा आ, इन्ना टाइम जिहड़ा लगेगा उस ट्रेन नूं प्लेटफॉर्म नूं क्रॉस करन दे लई। तीसरे केस दे विच हुण असीं गल करदे हां कि जदों सानूं दो ट्रेनस दित्तियां होईयां आ उस केस दे विच आपां की देखना आ। असीं देखना आ कि सब तो पहले जे ते जिहड़ियां ट्रेनस आ वो ओपोजिट डायरेक्शन दे विच मूव कर रहीआं आ। सो ओपोजिट डायरेक्शन दे विच जदों मूव कर रहीआं आ उस केस दे विच सानूं पता है कि रैलेटिव वेलोसिटी जां रैलेटिव डिस्टेंस दा कंसैप्ट लगदा आ, कि जिहड़ियां उहनां दा टोटल डिस्टेंस आ वह भी ऐड हो जांदा आ ते टोटल जिहड़ी स्पीड आ वह भी ऐड हो जाती है। सो इत्थे आपां रैलेटिव वेलोसिटी दा या रैलेटिव जिहड़ा डिस्टेंस उहदा कंसैप्ट लगावांगे। सो टोटल टाइम जिहड़ा आ एक ट्रेन नूं दूसरी ट्रेन नूं क्रॉस करन दे लई किन्ना लगेगा, दैट इज़ टोटल लेंथ ऑफ बोथ ट्रेनस डिवाइडेड बाय टोटल स्पीड ऑफ बोथ ट्रेनस। ठीक है, हुण क्वेश्चन की है, टू ट्रेनस ए एंड बी ऑफ लेंथ 200 मीटर एंड 300 मीटर आर ट्रैवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर प्रति आवर एंड 24 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। कि दो ट्रेन जिहड़ियां आ वो ओपोजिट डायरेक्शन दे विच मूव कर रही आ। सो एक ट्रेन दी जिहड़ी लंबाई है दैट इज़ 200 मीटर, तो किन्नी स्पीड नाल वो मूव कर रही है 66 किलोमीटर प्रति आवर नाल, तो दूसरी ट्रेन जिहदी लंबाई 300 मीटर है वो किन्नी स्पीड नाल मूव कर रही है 24 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड नाल मूव कर रही है। हाउ लोंग विल दे टेक टू क्रॉस ईच अदर, कि वो दोनों ट्रेना जिहड़ियां आ किन्ने टाइम दे विच एक दूसरे नूं क्रॉस कर लेणगियां जां आपस च क्रॉस कर लेणगियां। हुण इदां दे क्वेश्चन जिवें कि मैं तुहानूं दस्सिया कि जदों ओपोजिट डायरेक्शन दे विच मूव कर रहीआं आ, सो उस केस दे विच असीं टोटल जिहड़ी लेंथ आ उहदी वी एडिशन करनी आ दोनों ट्रेनस की, तो स्पीड जिहड़ी आ रैलेटिव स्पीड दे करके दोनों की स्पीड भी जिहड़ी आ वह भी एड अप होएगी। सो लेंथ ऑफ वन ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ सैकेंड ट्रेन डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ फस्ट ट्रेन प्लस स्पीड ऑफ सैकेंड ट्रेन। सो लेंथ कितनी आ गई, 200 + 300 दैट इज़ इक्वल टू 500 मीटर डिवाइडेड बाय स्पीड जिहड़ी आ हुण 1 किलोमीटर प्रति आवर दे विच दित्ती हुई है, दोवां नूं जदों आपां ऐड अप करांगे 66 किलोमीटर प्रति आवर प्लस 24 किलोमीटर प्रति आवर एंड इट इज़ 90 किलोमीटर प्रति आवर, एंड इहनूं असीं जे 5/18 नाल जदों मल्टीप्लाई करदे हाँ 18 × 5 = 90, 5 × 5 दैट इज़ इक्वल टू 25 मीटर प्रति सैकेंड की स्पीड जिहड़ी आ साडे कोल आ रही है।
सो टोटल टाइम किन्ना लगेगा, 500/25। सो इनू जदों आपां कैलकुलेट करते हाँ, 25 × 50 × 0 दैट इज़ इक्वल टू आवर 20 सैकेंड। सो दो ट्रेनां जिहड़ियां आ उह 20 सैकेंड दे विच एक दूसरे नू क्रॉस कर लैणगियां। सो फोर्थ टाइप ऑफ क्वेश्चन जिहड़े आ उह किस तरह दे आ सकदे आ कि जदों दोनों ट्रेनस जिहड़ियां आ उह इक्को डायरैक्शन दे विच मूव कर रही आ। हुण इक्को डायरैक्शन दे विच जदों मूव कर रही आ, सो उस केस दे विच जिहड़ी लेंथ आ उह ते साडे कोल ऐड हो जाणी आ। सो टोटल डिस्टेंस जिहड़ा आ जिहड़ी कि एक स्केलर क्वांटिटी आ, सो लेंथ इज़ आलवेज एडेड अप एंड जिहड़ी स्पीड हैगी आ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਸਪੀਡ ਆਫ ਟ੍ਰੇਨ 1 ਮਾਈਨਸ ਸਪੀਡ ਆਫ ਟ੍ਰੇਨ 2। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਟੂ ਟ੍ਰੇਨਸ ਏ ਐਂਡ ਬੀ ਆਫ ਲੈਂਥ 200 ਮੀਟਰ ਐਂਡ 300 ਮੀਟਰ ਆਰ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਐਟ ਏ ਸਪੀਡ ਆਫ 66 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਐਂਡ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਵਰ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ ਇਨ ਦੀ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਸੋ ਹਾਉ ਲੌਂਗ ਵਿਲ ਦੇ ਟੇਕ ਟੂ ਕਰੋਸ ਈਚ ਅਦਰ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਟੋਟਲ ਲੈਂਥ। ਟੋਟਲ ਲੈਂਥ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਏਗੀ, 200 ਮੀਟਰ ਪਲੱਸ 300 ਮੀਟਰ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਏ ਸਪੀਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਏਗੀ, 66 ਮਾਈਨਸ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 36 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਵਰ। 36 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਵਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 5/18 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ, ਸੋ ਇਟ ਕਮਸ ਆਊਟ ਟੂ ਬੀ 10 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 10 ਦੇ ਨਾਲ, ਸੋ 500 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 10 ਵਿਚ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 50 ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਟ੍ਰੇਨ ਇਹ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਇਸ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 50 ਸੈਕਿੰਡ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਟਾਈਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਉਸ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਆ, ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਕਰੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਦਾਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਇੱਧਰ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇੰਨੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਕਰੇਗੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣੀ ਆ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਓਬਜੈਕਟ ਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮੈਨ, ਸੋ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਥ ਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੈਗਲੀਜੀਬਲੀ ਸਮਾਲ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਦਿਸ ਟ੍ਰੇਨ ਲੈਂਥ। ਸੋ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਥ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੰਸਿਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਟਾਈਮ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਲੈਂਥ ਆਫ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਰੋਸ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਸਪੀਡ ਆਫ ਬੋਥ, ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਸਪੀਡ ਕਿੰਨੀ ਆ ਅਤੇ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਪੀਡ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟੂ ਟ੍ਰੇਨਸ ਏ ਐਂਡ ਬੀ ਆਫ ਲੈਂਥ 300 ਮੀਟਰ ਐਂਡ 400 ਮੀਟਰ ਆਰ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਐਟ ਏ ਸਪੀਡ ਆਫ 72 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਵਰ ਐਂਡ 36 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਵਰ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ। ਕਿ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹਦੀ ਲੰਬਾਈ 300 ਮੀਟਰ ਹੈ ਉਹ 72 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਆਵਰ ਨਾਲ ਦੌੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹਦੀ ਲੰਬਾਈ 400 ਮੀਟਰ ਹੈ ਉਹ 36 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਆਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੌੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਹੈ ਉਨੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਦਮੀ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਅਰਫੋਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰਾ ਓਬਜੈਕਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸਪੀਡ ਆਫ ਦਿਸ ਟ੍ਰੇਨ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 36 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਵਰ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਈਏ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 10 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਸੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਸੀਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਟੋਟਲ ਲੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਹਾਉ ਲੌਂਗ ਵਿਲ ਟ੍ਰੇਨ ਏ ਟੇਕ ਟੂ ਕਰੋਸ ਏ ਮੈਨ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਏ ਟ੍ਰੇਨ ਆ ਇਹ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰੇਨ ਆ ਉਹ ਇਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਸ ਕਰੇਗੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਥ ਆ ਉਹ ਇਸ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਲੈਂਥ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 300 ਮੀਟਰ, ਸਪੀਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਦੀ 72 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਆਵਰ ਹੈ ਪਲੱਸ ਦੂਸਰੇ ਦੀ 36 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਆਵਰ ਵਿਚ ਇਜ਼ 108 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਆਵਰ
इनू असी 5/18 के नाल जो मल्टीप्लाई करते हैं तो साढ़े को जी रैलेटिव स्पीड ऑफ बोथ दी ऑबजैक्ट्स वो कि आ रही है 30 मीटर पर सैकेंड। सो टोटल टाइम असी कट लाँगे, टोटल डिस्टेंस 300 / 30 विच इज़ कमिंग आउट टू बी 10 सैकेंड, कि वो जी ट्रेन ए आ वो इस आदमी 10 सैकेंड के क्रॉस कर लेगी। हूँ इस केस के वाले जोड़ा क्वेश्चन आ वो प्रीवियस क्वेश्चन के ओपोजिट है। इस केस के जे दोनों ट्रेन जड़िया इको डायरेक्शन मूव कर रही हैं तो फिर जोड़ा आदमी आनू ट्रेन जी किन्ने टाइम के क्रॉस करेगी। सो इस केस के जिमें थानू मैं पहले दसिया कि दो ट्रेनस जदों सेम डायरेक्शन के मूव करती हैं तो उन्हों की जी स्पीड आ वो हमेशा आप माइनस करते हैं। सो लेंथ असी जी इस ट्रेन की ही कंसिडर करा क्योंकि जोड़ा ए वाला ऑबजैक्ट आ यदि लेंथ जी दैट इज़ नगलिजिबली समॉल एज कंपेयर टू दिस ट्रेन। सो क्वेश्चन, टू ट्रेनस ए एंड बी ऑफ लेंथ 100 मीटर एंड 200 मीटर आर ट्रैवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 72 km/h and 54 km/h रिस्पैक्टिवली इन सेम डायरेक्शन। सो जो भी तुम्हें क्वेश्चन देखना आ तो तुम देखना आ कि जे तो दो ट्रेनस का क्वेश्चन है सब तो पहले तुम देखना है कि वह सेम डायरेक्शन के मूव कर रहे हैं या ओपोजिट डायरेक्शन के मूव कर रहे हैं। सो वो अकॉर्डिंगली तुम जो अपना फार्मूला वो पुट करना है। हुण दोनों सेम डायरेक्शन के मूव कर रहे हैं सो सब तो पहले जी लेंथ आएगी साढ़े को वाली ट्रेन की 100 मीटर दिती हुई सानू। हुण स्पीड जी आपां दोनों स्पीड्स नू माइनस करना है। सो पहले ट्रेन की स्पीड कितनी है 72 km/h सो विच इज़ कम्स आउट टू बी 20 मीटर पर सैकेंड। दूसरा जिहड़ा ट्रेन आ उहदी स्पीड हैगी है 53 किलोमीटर प्रति आवर, इहदा मतलब आदमी की स्पीड भी जिहड़ी आ वो कितनी होएगी दैट इज़ इक्वल टू 54 किलोमीटर प्रति आवर एंड इट कम्स आउट टू बी 10 मीटर पर सैकेंड। हुण टाइम कितना लगेगा, लेंथ ऑफ ट्रेन विच इज़ अप्रोचिंग दैट मैन दैट इज़ 100 मीटर पर 100 मीटर डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ स्पीड। एक दी स्पीड हैगी है 20 मीटर प्रति सैकेंड, दूसरे दी है माइनस। सो साढ़े कोल किहदे बराबर आ जाएगा 20 चो 10 घटाए दैट इज़ इक्वल टू 10। सो 100 / 10 विच इज़ कमिंग आउट टू बी 10 सैकेंड। सो आई होप कि तुहानूं इह जिहड़ा टाइप्स ईजली तुसीं इहनां नूं डिफरेंशिएट करके सॉल्व कर सकते हैं। आओ कुछ क्वेश्चन करते हैं इहनां दे नाल रिलेटड। हुण क्वेश्चन की है, लेंथ ऑफ द ब्रिज विच ए ट्रेन 130 मीटर्स लोंग एंड ट्रैवलिंग एट 45 किलोमीटर प्रति आवर कैन क्रॉस इन 30 सैकेंड। हूँ वो की कह रहा है कि एक ट्रेन जिंद लंबाई जी आ 130 मीटर है वो एक ब्रिज न क्रॉस कर रही है किन्नी स्पीड न ट्रेन मूव कर रही है दैट इज़ इक्वल टू 45 किलोमीटर प्रति आवर। इनू असी जो मीटर के नाल कन्वर्ट करना असी 5/18 के नाल डिवाइड कर लाँगे। सो 9 × 2 = 18, 9 × 5 = 45। सो इट कम्स आउट टू बी 25/2 m/s। टाइम कितना लेंदी है, टाइम लै रही है वो 30 सैकेंड का। हुण सानू पता है कि जदों ट्रेन की जिहड़ी लंबाई आ वो किसी कंसिडरेबल ऑबजैक्ट नूं क्रॉस कर रही है, जे असी मान लीए कि ब्रिज की जिहड़ी लंबाई आ वो कितनी आ, असी मान लीए कि ब्रिज की लंबाई जिहड़ी आ वो एक्स मीटर है। सो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना पएगा ट्रेन नूं दैट इज़ इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन 130 मीटर प्लस एक्स दैट इज़ द लेंथ ऑफ ब्रिज डिवाइडेड बाय किन्नी स्पीड नाल वो मूव कर रही है विच इज़ इक्वल टू 25/2। सो टाइम किन्ने दे विच क्रॉस कर लेंदी है दैट इज़ इक्वल टू 30 सैकेंड। सो है 25 इधर मूव करांगे सो साढ़े कोल की आ जाएगा 130 + x दैट इज़ इक्वल टू 30 × 25/2। ऐ कटिया जाएगा 25 × 15 दैट इज़ इक्वल टू 375। सो देयरफॉर एक्स कम्स आउट टू बी
375 है 130 इधर 375 जो माइनस हो जाएगा तो साढ़े को किन्ना आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 245 मीटर जड़ा आ दिस विल बी दी लेंथ ऑफ ब्रिज सो अवर राइट ऑप्शन इज सी सो यह थोड़ा मैं नीट एंड क्लीन वे दे नाल इत्थे मैं लिख के दित्ती एक्सप्लेनेशन यू कैन चैक दिस सो नैक्सट क्वेश्चन की कह रहा है टू ट्रेन्स रनिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस कि दो ट्रेन जिहड़ियां आ वो ऑपोजिट डायरेक्शन दे विच मूव कर रही हैं लेट अस से दिस इज ए ट्रेन दिस इज बी ट्रेन क्रॉसिज ए मैन एक आदमी इत्थे खड़ा है स्टैंडिंग ऑन ए प्लेटफॉर्म उस प्लेटफॉर्म दे उत्ते आदमी एक खड़ा है एक ट्रेन जिहड़ी आ इस आदमी नूं 27 सैकेंड दे विच क्रॉस कर लैंदी है दूसरी जिहड़ी ट्रेन आ वह 17 सैकेंड दे विच क्रॉस कर लैंदी है ठीक है ना एंड दे क्रॉस ईच अदर हुण इह जिहड़ियां दोनों ट्रेनज आ वह एक दूसरे नूं जिहड़ियां आ वह 23 सैकेंड दे विच क्रॉस करदियां ठीक है ना सो वट वी हैव टू कैलकुलेट इज वी हैव टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ ट्रेन ए वर्सिज स्पीड ऑफ ट्रेन बी कि दो ट्रेनस की जी रेशो आ स्पीड की रेशो आ उस कैलकुलेट करनी है हूँ सब तो पहले जो मैं मान ला कि एक ट्रेन की स्पीड एक्स है इस ट्रेन की स्पीड वाई है सो इस केस के टाइम सानू दिता होया है ठीक है ना जिन्ना टाइम लेंदियां है उस आदमी नू क्रॉस करन दे लई सो इहदे तो असी लेंथ कढ सकदे हां सो लेंथ किन्नी आएगी ट्रेन ए दी दैट इज इक्वल टू 27x एंड ट्रेन बी दी लेंथ किदी किन्नी आएगी दैट इज इक्वल टू 17y हुण टोटल टाइम जिहड़ा आ वो आपस दे विच किन्ना लांदियां आ दैट इज इक्वल टू 23 सैकेंड हुण जिवें कि तुहानूं मैं दस्सिया कि जदों ओपोजिट डायरेक्शन दे विच मूव कर रही हैं सो उस केस दे विच टोटल जिहड़ा आ उहनां दी स्पीड किन्नी आ ते टोटल जिहड़ी आ उहनां दी लेंथ किन्नी आ सो टोटल लेंथ जिहड़ी इत्थे जे किन्नी आ जाएगी टाइम जिवें कि सानूं पता है दैट इज इक्वल टू लेंथ ओवर स्पीड 27x प्लस 17y ओवर टोटल स्पीड टोटल स्पीड ऑफ ए दैट इज एक्स टोटल स्पीड ऑफ बी दैट इज इक्वल टू वाई सो एक्स प्लस वाई आ जाएगी सो इनू जदों असी कैलकुलेट करांगे तो साडे कोल जिहड़ा आंसर आ उनू आपां ईजली एक्स ते वाई दी रेशो दे विच कढ सकदे हां सो जिस तरह कि इत्थे आपां कीता होया है सो 23 सैकेंड दा जिहड़ा ओह किहदे बराबर आ गया टोटल डिस्टेंस विच इज 27x प्लस 17y सो इनू जदों असी एक्स प्लस वाई नू इधर मूव करते हैं सो साडे कोल की बन रहा है 23x प्लस 23y सो कट कटा के साडे कोल की आ रहा है 4x इज इक्वल टू 6y देयरफोर एक्स ऑफ वाई एक्स ओवर वाई जिहड़ी कि रेशियो ऑफ टू स्पीड्स आ इट कम्स आउट टू बी 3/2 सो अवर राइट आंसर इज ऑप्शन बी नैक्सट क्वेश्चन की है ए ट्रेन पासिज स्टेशन प्लेटफॉर्म इन 36 सैकेंड एंड ए मैन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म इन 20 सैकेंड हूँ एक ट्रेन है वो कहते हैं कि एक प्लेटफॉर्म जिहड़ा आ उन्हूं वो 36 सैकेंड दे विच पार करती है तो एक जिहड़ा आदमी आ उस प्लेटफॉर्म दे उत्ते खड़ा आ उन्हूं 20 सैकेंड दे विच पार करती है सो इफ द स्पीड ऑफ ट्रेन इज 54 किलोमीटर वट इज़ द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म हूँ सानू आदमी के कंपैरेटिव जिहड़ा आ टाइम दिता होया आ सो इहदे तो आपां की आ टोटल डिस्टेंस या टोटल ट्रेन की लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं सो टोटल टाइम टू क्रॉस ए मैन दैट इज इक्वल टू 20 सैकेंड सो दैट इज इक्वल टू टोटल लेंथ डिवाइडेड बाय स्पीड सो स्पीड किन्नी है इतने 54 किलोमीटर पर प्रति आवर 54 किलोमीटर प्रति आवर नूं असी जिहड़ा है मीटर प्रति सैकेंड दे विच कन्वर्ट करांगे 18 × 3 = 54 सो इट कम्स आउट टू बी 15 मीटर पर सैकेंड सो इत्थे असी 15 पुट करांगे तो साडे कोल जिहड़ी आ
ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਲੈਂਥ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ 15 × 30, ਸੋ 300 ਮੀਟਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਆ ਗਈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਲੈਂਥ ਆਫ ਪਲੇਟਫਾਰਮ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਆਫ ਕੰਸਿਡਰੇਬਲ ਲੈਂਥ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਸਿਡਰ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੰਬਾਈ ਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਕਸ ਮੀਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਟਾਈਮ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 300 ਪਲੱਸ ਐਕਸ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਸਪੀਡ ਆਫ ਟ੍ਰੇਨ। ਸਪੀਡ ਆਫ ਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ 15 ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ। ਇਹ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 36 ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, 36 × 15 ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 540, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, 300 ਪਲੱਸ ਐਕਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ, 540 ਮਾਈਨਸ 300 ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 240 ਮੀਟਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਆਵਰ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਕਰਨੀਆਂ ਆ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਕੰਪੈਰਟਿਵ ਜੇ ਕਰਨਾ ਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲੈਂਥ ਦੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਈਜ਼ਲੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਈ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਲੀਅਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਵਰ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ 240 ਮੀਟਰ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼, ਟੂ ਟ੍ਰੇਨਸ ਆਫ ਇਕੁਅਲ ਲੈਂਥ ਆਰ ਰਨਿੰਗ ਔਨ ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨਸ ਇਨ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਦੋ ਟ੍ਰੇਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਪੈਰਲਲ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੀ ਆ 46 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਆਵਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, 5/18 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 36 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਆਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਆ ਗਿਆ, 18 × 36, 5 × 10, ਇਟਸ 10 ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਕਿੰਡ। ਸੋ 2 × 9 = 18, 2 = 23, ਸੋ 23 × 5 ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 115/9 ms ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਸਪੀਡ ਹੈ। ਦੀ ਫਾਸਟਰ ਟ੍ਰੇਨ ਪਾਸਿਸ ਦੀ ਸਲੋਅਰ ਟ੍ਰੇਨ ਇਨ 36 ਸੈਕਿੰਡਸ, ਕਿ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੂਸਰੀ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 36 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਦੀ ਲੈਂਥ ਆਫ ਈਚ ਟ੍ਰੇਨ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਟੋਟਲ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 36 ਸੈਕਿੰਡ। ਸੋ ਟੋਟਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਦੋਂ ਦੋਨੇ ਟ੍ਰੇਨਸ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਕਰਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ ਜਾਂ ਲੈਂਥ ਆਫ ਟ੍ਰੇਨ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਡ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਐਕਸ ਪਲੱਸ ਐਕਸ ਸਪੀਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, 115/9 - 10। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਇਟ ਕਮਸ ਆਊਟ ਟੂ ਬੀ 2x ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 115 - 90 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 9 ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਏਗਾ ਸੋ ਇਟ ਗੈਟ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੇਅਰ, ਸੋ ਇਟ ਕਮਸ ਆਊਟ ਟੂ ਬੀ 18x/25। ਸੋ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, 36 ਸੈਕਿੰਡ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਐਕਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਉਹਨੂੰ ਈਜ਼ਲੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ 36 × 25, ਇਹ ਜਿਹੜਾ 18 ਆ ਇਹ ਇੱਧਰ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ 'ਚ ਮੂਵ ਕਰ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਐਕਸ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਆ, ਸੋ 18 × 36, 25 × 2 ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 50 ਮੀਟਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਥ ਬਰਾਬਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਸੋ ਦੇਰਫੋਰ ਦੋਨਾਂ ਟ੍ਰੇਨਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੰਬਾਈ ਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ 50 ਮੀਟਰਸ। ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਚੈੱਕ ਦਿਸ ਸਲਿਊਸ਼ਨਸ ਦੀ ਸੇਮ ਵੇ ਯੂ ਕੈਨ ਫਾਈਂਡ ਦਿਸ ਆਂਸਰ। ਸੋ ਅਵਰ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼, ਟੂ ਟ੍ਰੇਨਸ ਆਰ ਮੂਵਿੰਗ ਇਨ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ, ਕਿ ਦੋ ਟ੍ਰੇਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਇੱਕ ਦੀ
ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਆਵਰ, ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਹੈ 90 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਆਵਰ, ਐਂਡ ਦੇਅਰ ਲੈਂਥ ਆਰ 1.1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਐਂਡ 0.9 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ, ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਟੇਕਨ ਬਾਈ ਦੀ ਸਲੋਅਰ ਟ੍ਰੇਨ ਟੂ ਕ੍ਰੋਸ ਦੀ ਫਾਸਟਰ ਟ੍ਰੇਨ ਔਰ ਟਾਈਮ ਟੇਕਨ ਬਾਈ ਫਾਸਟਰ ਟ੍ਰੇਨ ਟੂ ਕ੍ਰੋਸ ਦੀ ਸਲੋਅਰ ਟ੍ਰੇਨ, ਸੋ ਸੇਮ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲੈਂਥ ਅਤੇ ਸਪੀਡ ਦੋਨੇ ਐਡ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਸੋ 1.1 ਪਲੱਸ 0.9 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਏ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਆਵਰ ਪਲੱਸ 90 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਆਵਰ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਸੋ ਯੂਨਿਟ ਹੁਣ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਆਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 150 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਆਵਰ। ਸੋ 2 ਨਾਲ 150, 1/75 ਆ। ਸੋ ਕੀ ਆਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? 1/75 ਆਵਰ ਜਿਹੜਾ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੋਏ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਆਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3600 ਸੈਕਿੰਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ 3600/75 ਇਟ ਕਮਸ ਆਊਟ ਟੂ ਬੀ 48 ਸੈਕਿੰਡ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਂਸਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਦੋ ਟ੍ਰੇਨਸ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਲੇਟਿਵ ਸਪੀਡ ਜਾਂ ਰੈਲੇਟਿਵ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਟ੍ਰੇਨਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਟਿਲ ਦੈਨ, ਗੁੱਡ ਬਾਏ, ਸੀ ਯੂ ਇਨ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ।